अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोग देख सकते हैं आज मैं बाहर निकली हूँ और जा रही हूँ कुछ ग्रोसरी करनी थी। एक्चुअली तो जा रही थी, आज वेदर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लग रहा है, धूप निकली है। तो आप लोगों को आप लोग देख सकते होंगे मेरे पीछे सारे पिंक फ्लावर हैं, सब जगह ही पिंक फ्लावर हैं। आप लोग देख सकते होंगे कितना अच्छे वेदर हो गया है बाहर। कितना मैंने बताया ना आपको, चेरी ब्लॉसम का वेदर है तो बहुत अच्छा लग रहा है। देख कितने खूबसूरत सारी जगह फ्लावर आए हुए हैं, ये आप मेरे पास भी देख सकते होंगे। कितना अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और साथ में आपको दिखाती हूँ ये मेरे बेटे। सो गाइज, मैं आपको इधर दिखाने लगी थी तो गाड़ी की बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ गई, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर करती हूँ। ये मेरे बेटे हैं फाहद और मैं इनके साथ जा रही थी, मुझे पंजाब देसी ग्रोसरी जाना था। वहाँ से कुछ ज़्यादा सामान नहीं चाहिए था, बहुत थोड़ा सा सामान चाहिए था, तो इसलिए हमने सोचा पहले हम देसी ग्रोसरी चले जाते हैं। एक्चुअली हम अभी अपने घर से निकले हैं तो इसलिए हमने मास्क नहीं पहना, लेकिन मास्क नहीं पहना और जब हम बिल्कुल वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर हम लोग मास्क पहन लेंगे और ग्लव्स पहन। घर से हम सैनिटाइज़र लेकर निकले हैं अपने, मैंने बैग में रखा है क्योंकि सैनिटाइज़र, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने घर में बनाया था, तो हमेशा सैनिटाइज़र साथ रखती हूँ। पहले वाइप से डोर क्लीन करते हैं और फिर हम लोग गाड़ी में बैठते हैं। ये देखिए, स्टोर जैसे ही करीब आने लगा था हम लोगों ने ग्लव्स और मास्क पहन लिया था, क्योंकि अभी हमको अगर स्टोर में जाना है तो हम इसके बगैर, चाहे वहाँ पर लोग बहुत कम हो तब भी हमें मास्क पहनना है और ग्लव्स भी पहनने हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने भी और मेरे बेटे फहद ने, हम दोनों ने ग्लव्स और मास्क पहन लिए थे। ये हम लोग वहाँ से ग्रोसरी स्टोर से जाकर फिर हम लोग डन हो गए थे, वापस आ गए थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ से हमने ज़्यादा सामान नहीं लिया था और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए थी और वहाँ पर कोई रश भी नहीं होता बिल्कुल, मतलब इक्का दुक्का लोग होते हैं, तो इसीलिए बस हमने वहाँ जाकर थोड़ा सामान लिया और वापस आ गए थे। अब हम जाने लगे हैं वॉलमार्ट। वॉलमार्ट से मुझे थोड़ा सामान चाहिए था, मतलब सही से कुछ सामान चाहिए था वॉलमार्ट से, तो इसीलिए हमने कहा एक ही दिन में दोनों जगह चले जाते हैं, रोज़ रोज़ बाहर निकलना सही नहीं है। तो इस रीज़न से ही मुझे भी कुछ सामान चाहिए था और फहद को भी कुछ यहाँ से लेना था वॉलमार्ट से अपने लिए। एक्चुअली फहद को अपने हेयर डाई कराने थे तो उनको हेयर कलर चाहिए था। वॉलमार्ट में सब कुछ मिलता है, मतलब हर चीज़ मिल जाती है आपको, जो भी एवरीथिंग वहाँ पर मिल जाता है, मतलब मेकअप मिल जाता है, कपड़े, ड्रेसेस, जीन्स, ट्राउज़र, टाइज, नाइट सूट, डे सूट, सब कुछ मिलता है। तो मतलब घर पे आप डेकोरेशन करने का सामान, इवन के बेड, काउच, सोफ़ा, सब कुछ मिलता है वॉलमार्ट में, तो इसीलिए वॉलमार्ट में मतलब चले जाते हैं। बाकी और सस्ता मिलता है काफ़ी, मतलब जो बाहर मिलता है सामान उन सब से ज़्यादा कम प्राइस में मिल जाता है, बहुत हर कोई जिसे अफोर्ड कर सकता है। और मतलब ज़्यादातर लोग जो होते हैं जहाँ पर, जिस सिटी में होते हैं उनके घर के पास ज़रूर होता है और सब लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वहीं से ले। इवन कि हम लोग मिल्क भी वहीं से बाय करते हैं, मिल्क वगैरह भी वॉलमार्ट में ही मिलता है, मिल्क मिलता है, सारी वेजिटेबल्स मिलती है, फ्रूट्स, ये हम वॉलमार्ट पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं पार्किंग लॉट सारा इनका भरा हुआ है और मतलब यानी कि जब भी आप जाएंगे सारा नर्सरी का सामान भी इधर मिलता है, मतलब सारे आप देख रहे हैं फ्लावर आ गए हैं सारे नर्सरी के, समर आ गया है तो इसलिए सब आपको इसके फ्लावर मिलेंगे, सारे प्लांट्स वगैरह सब भी, मतलब यानी कि सब कुछ मिलेंगे। इधर मैं आपको दिखाने लगी थी, ये आप देख सकते हैं लाइन लगी हुई है, ये सोशल डिस्टेंस है, इसका मतलब है आप 6-6 फीट एक दूसरे से बिल्कुल दूर खड़े रहें, मतलब करीब नहीं आए। आप लोग देख सकते हैं कि आपने देखा पार्किंग लॉट भरा हुआ है गाड़ियों से, लेकिन लोग कितना डिस्टेंस के साथ खड़े हैं और मास्क पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं और हम लोग भी मतलब यानी कि दूर खड़े हैं, बहुत करीब नहीं खड़े। और 6 फीट का मतलब है 6 फीट आप सब एक दूसरे से खड़े रहें दूर। और कितनी लंबी लाइन है और एक टाइम में अंदर सिर्फ 10 लोग जा सकते हैं, मतलब 10 लोग पहले बाहर अंदर जाएंगे और 10 लोग बाहर आएंगे, उसके बाद दूसरे 10 लोग अंदर जाएंगे। तो इस तरह से इधर ऑनलाइन भी हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं ग्रोसरी, लेकिन एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जाके अगर बंदा देख कर ले अपनी मर्ज़ी की वही सही रहता है, तो इसलिए अक्सर हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन कभी कभी जाना भी पड़ता है, मतलब यानी कि कुछ ना कुछ लेने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि लाइन मूव होने लगी है, मतलब कोई एक दूसरे को पुश नहीं कर रहा, कोई एक दूसरे के करीब जाने की कोशिश नहीं कर रहा। ये है सोशल डिस्टेंस जो हमारी कंट्रियों में मैं देखती हूँ, तो
तो मतलब इंडिया पाकिस्तान में कि भाई चलो जैसे ही थोड़ा बहुत कुछ खुला है तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, और उसी के अंदर एक दूसरे के घर भी जा रहे हैं, और उसी के अंदर वो लोग सब मतलब यानी कि अगर कोई कोई वहाँ पे देख रही हूँ जो राशन वगैरह बांट रहे हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के इस तरह से ले रहे हैं, तो वो तो वापस के वापस सब आप एक दूसरे से मिल लिए, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, आपको एक दूसरे को टच बिल्कुल नहीं करना है। तो इसका मतलब है सोशल डिस्टेंस, मतलब आप एक दूसरे से दूर रहें। आप लोग देख सकते हैं हम अभी कहाँ थे और अब कहाँ पर आ गए लाइन में ना, कितनी दूर आ गए। ये कार्ट के अंदर जो सामान लेकर जा रहा था बंदा, आप लोग देख रहे हैं, तो ये ऑनलाइन जैसे ग्रोसरी करते हैं ये उसके लिए सामान लेकर जा रहा था, और हम लोग धीरे धीरे करके मूव होते जा रहे थे, और अब हम लोग मतलब स्टोर में जाने के लिए करीब आ गए थे कि चलो भाई अब हमारा भी नंबर आ जाएगा, हम भी अंदर चले जाएंगे। मतलब हमें सब में 20 से 25 मिनट लग गए थे लाइन में लगे हुए, और इसके बाद कहीं जाके फिर हमारा नंबर आया था। ये आप देख सकते हैं इधर लोगों ने लगाए हुए भी हैं कि आप प्लीज़ 6 फीट दूर रहिए, और साथ में इधर गार्ड्स भी खड़ा था, तो वो मैक्योर कर रहा था कि अंदर कितने लोग जा रहे हैं। अब हमारी टर्न आ गई थी, हम लोग अंदर जाने लगे थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने कार्ट ली है, एक्चुअली यहाँ पर मिल्क जो है वो लिमिटेड मिल रहा था, तो मैंने फहद से कहा था कि वो अलग कार्ट ले और मैं अलग लूँगी, ताकि हम दो अलग अलग जगह ग्रोसरी करेंगे, तो इस तरह से हमारे घर में मिल्क ज़्यादा आ जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने वाइप्स लिया है, ये से मैं कार्ट क्लीन कर रही हूँ, और फहद भी वाइप्स लिया, वो अपनी कार्ट क्लीन कर रहा था, मैं अपनी कार्ट क्लीन कर रही थी, इसलिए कैमरा थोड़ा सा इस तरह से हो गया था। और इसके साथ में ही सैनिटाइज़र था, साथ में ही हम लोगों ने पहले कार्ट क्लीन करी, उसको टिश्यू को फेंक कर इसके बाद हमने सैनिटाइज़र लिया, अपने हैंड क्लीन किए। हालांकि हम लोग ग्लव्स पहने हुए हैं, आप लोग ये देख लीजिए कि हम लोग ग्लव्स पहने हुए हैं, उसके बाद भी हमने हाथों पे अपने सैनिटाइज़र लगाया। अब यहाँ से हम सामान उठाना शुरू करेंगे, और जो भी चीज़ चाहिए मतलब मैं आपको साथ में दिखा भी रही थी कि ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा स्टोर है, मगर इसके अंदर लोग नहीं हैं, लोग बिल्कुल लिमिटेड है कि बाहर अंदर सिर्फ थोड़े ही लोग जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग अंदर नहीं जा सकते। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी तो मैंने वो ज़रूरत की चीज़ें ली जल्दी जल्दी, और मतलब मुझे ज़्यादा देर यहाँ पर भी नहीं रुकना था क्योंकि बहुत ज़्यादा देर बाहर रहना भी ठीक नहीं है इसीलिए। और कोशिश करते हैं हम लोग के जब मतलब यानी कि 12 बज रहे होते हैं दिन में और 2 बज रहे होते हैं, 1 बज रहा होता है मतलब सूरज निकला हुआ हो, उस टाइम पे बाहर जाने की कोशिश करते हैं, ताकि उस टाइम पे थोड़े हो सकता है कि जरासीम थोड़े से कम हो। ये मैं अपने सोचने का तरीका बता रही हूँ आपको, बाकी के नहीं, जस्ट मैं लाइक ऐसे सोचती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये यहाँ पर सब चीज़ें मिल रही थी, बट मुझे इन चीज़ों में से कुछ चाहिए नहीं था। और आइसक्रीम मैं देख रही थी कि मैं सोच रही थी कि मैं आइसक्रीम ले लूं, फिर मैंने सोचा कि अभी टाइम नहीं है आइसक्रीम खाने का, बिकॉज़ के खुदा ना खास्ता खांसी वासी हो गई तो फिर गले पड़ेगा कि भाई नहीं अभी, क्योंकि हम डॉक्टर के भी नहीं जा सकते, तो इसलिए बस मैं देख के खुश हो गई थी आइसक्रीम। यहाँ से मैंने बस ये मेकअप की आइल्स में आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर आकर भी मेरा दिल चाहता है कि बस मैं खड़ी होकर मेकअप देखती रहूँ, कुछ ना कुछ बाय कर लूँ, लेकिन मैंने यहाँ से भी कुछ लिया नहीं था, जस्ट आप लोगों को दिखा रही थी कि आप लोग देखिए कि अगर वॉलमार्ट के अंदर आप आ रहे हैं तो सब कुछ यहाँ पर मिलता है और सब कुछ हम लोग ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त इन चीज़ों की किसी की ज़रूरत नहीं थी। ये क्रीम्स का आयल था जो सारी मतलब यानी कि मेकअप है, क्रीम है, ग्लासेस हैं, ये हम लोग ऑलरेडी डन हो चुके थे, पे कर रहे थे, तो हम सेल्फ चेकिंग पर आए थे, मतलब यानी कि हमको खुद ही अपना पे सारी चीज़ें बाय करके और खुद ही पे करना था, तो फहद कर रहे थे, मैं खड़ी होकर देख रही थी, तो फाद सारा कुछ ये मतलब चेक करके और रखते जा रहे थे। इसके बाद बस हम लोग फिर घर के लिए निकलेंगे, मतलब हमें यहाँ पर जैसे 20-25 मिनट अगर लाइन में लगे थे तो 20-25 मिनट ही हमने अंदर लगाए होंगे, और कुछ ज़्यादा नहीं लिया था। और मिल्क के लिए गए थे, मिल्क तो हमें मिला ही नहीं था, मतलब मिल्क था ही नहीं, हम तो दो दो कार्ट लेकर गए थे कि सोच रहे थे कि अलग अलग मिल्क भर लेंगे इसमें दो दो मिलकर, लेकिन एक भी मिल्क नहीं मिला था हमको, मिल्क अंदर था ही नहीं, मिल्क ख़त्म हो चुका था ऑलरेडी, मतलब यानी कि क्योंकि लोग ऑलरेडी सुबह से आकर लेकर जा रहे होंगे, लोगों के दिलों में डर तो है ना कि कभी पता नहीं एकदम से कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो जाए, इस तरह से सोचते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हर चीज़ मिल रही है, हर चीज़ अवेलेबल है, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। तो बस यहाँ से हम लोगों ने इतना ही लिया था, अब हम लोग यहाँ से डन हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। आप लोग देख सकते हैं कि हमने मास्क भी पहने हुए थे, हमने ग्लव्स भी पहने हुए थे, और ये हम लोग निकलने लगे हैं। आप लोग देख सकते हैं सब लोग एक दूसरे से दूर दूर हैं, मतलब कोई भी किसी के करीब जाने की कोशिश भी नहीं करता,
गलती से कोई एक दूसरे के अगर करीब आ जाए तो फौरन से दूर हो जाते हैं। मतलब ये बिल्कुल सही से, अगर सोशल डिस्टेंट है तो ये सोशल डिस्टेंस इस तरह से ही करा हुआ है हम लोगों ने। ये अब हम अपनी गाड़ी के अंदर सामान रखेंगे, फिर हम अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। ऑलरेडी जहाँ का काम हमारा इतना ही था, ये हम लोग गाड़ी में आ गए थे, हम लोग घर की तरफ जा रहे थे। हमने मास्क उतार के फेंक दिया था। मैं फहाद का अभी तक लगा हुआ है, मैं देख रही थी कि फहाद का लगा हुआ है, मैंने वहीं गार्बेज कैन में डाल दिया था। तो क्योंकि मास्क पहन के सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, मुझको तो आइडिया भी नहीं था। अभी मैं रियलाइज़ करती हूँ ये बात कि बेचारे जो डॉक्टर हैं, जो पुलिस वाले हैं, जिनको बाहर खड़े होकर हमारी चौकीदारी करनी पड़ रही है, तो वो कितनी मुश्किल में रहकर हम लोगों की हिफाजत की वजह से बाहर खड़े हैं ताकि हम सही रह सकते हैं। ये मैं मिरर में दिखा रही थी, इधर हम लोग घर पहुंच गए थे, और ये मैं आपको दिखा रही थी कि मैं क्या ग्रोसरी कर कर लेकर आई हूँ वॉलमार्ट के साथ। अब आप लोग देखिएगा कि मैं ग्रोसरी में किस तरीके से सारी सिंक में डालती जाती हूँ। ये देखिए एप्पल का बैग था, ये मैंने सिंक में डाल दिया है, क्योंकि हर चीज़ सिंक में इसलिए डाल रही हूँ। ये कलर है जो फाद लेकर आए थे, इसको मैं साइड में रख दूँगी। और बाकी ये रोटी का बैग है, ये भी मैं इसको सिंक में डाल रही हूँ ताकि हर चीज़ को मुझे वॉश करके ही रखना है। मैं ऐसे नहीं रखूँगी, सारे 11 बैग मैंने नीचे फेंक दिए ताकि मैं इसको, ये मैं विटामिन ई ऑयल लेकर आई थी वो दिखा रही थी आप लोगों को। और मतलब यानी कि हर चीज़ में, ये केचप की बोतल थी और सब कुछ, मैं मेडिसिन भी लेकर आई थी आइब्रोफिन, कभी भी क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है और उस टाइम पे अगर वो चीज़ नहीं मिले तो परेशानी होगी। ये बैग में सारे फेंक रही थी। और बाकी इसको आप देखिएगा हर चीज़ में किस तरह से पानी के अंदर वॉश करके रख दूंगी, क्योंकि इसके बाद मैं हर चीज़ बिल्कुल सही से वॉश करके, और जिस जगह पर रखी थी वो चीज़ भी मैंने सही से सैनिटाइज करी थी, पहले भी करी थी रखने से पहले, बाद में भी करी। मतलब यानी कि सारा काम कर, काउंटर को मैंने पहले भी क्लीन किया था और फिर सारा सामान रखने के बाद दोबारा से इसको सैनिटाइज़र के जो ये डिसइनफेक्ट वाइप्स हैं इनसे क्लीन करा था मैंने बाद में भी, ताकि कहीं कोई जरासीम रह नहीं जाए। आप लोग देख सकते हैं कि सारी मैं ग्रोसरी किस तरीके से वॉश करके रख रही थी। मतलब आप लोगों को भी मैं बताने का पर्पज़ ये है कि आप लोग भी इसी तरीके से ही करिए। ग्रेप्स थे जो मैं जार नेट में निकाल कर इसको भी अच्छी तरीके से वॉश कर रही थी ताकि ये ग्रेप्स भी सही से साफ़ करके रख दूँ। इधर मैं थक गई थी तो मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगी थी और मेरा मूड हो रहा था कॉफ़ी पीने का, जो आजकल कॉफ़ी चल रही है डलगोना कॉफ़ी। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाकर पी लेती हूँ, इसमें बनाने में टाइम नहीं लगता, कि अगर आपके पास विस्कर होता है तो जल्दी से कॉफ़ी बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये कॉफ़ी बना लेती हूँ अपने लिए, साथ में आपको भी दिखाती हूँ, क्योंकि अगर कभी बाहर से आते हैं और थकन हो जाती है बॉडी में तो थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगी हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी, क्योंकि ऑलरेडी थक गई थी तो मेरा मूड हो रहा था काफ़ी। मैंने कहा कि चलो बाहर से लेकर नहीं आए थे हम लोग, क्योंकि घर के पास जो डंकिन है उसमें सब जगह भी ड्राइव थ्रू का हो गया है और इतना हम लोग जाना भी नहीं चाहते थे बाहर, तो सोचे चलो घर में ही कॉफ़ी बना के पीती हूँ। क्योंकि समटाइम मूड होता है कि आप घर में आओ तो आप चाय मिल जाए, कॉफ़ी मिल जाए, ग्रीन टी तो खैर जब खाना खाने के बाद अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ी सी बॉडी में एनर्जी के लिए कॉफ़ी की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि ये मैं कॉफ़ी बना रही थी इधर, और बहुत अच्छी कॉफ़ी बनती है बहुत। आप लोगों को मैंने इसकी रेसिपी भी दी है, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो, ये मैंने अपने लास्ट व्लॉग में डाली थी शायद, तो जो अभी मेरे ख्याल लास्ट वीक के व्लॉग में डाली थी। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिए अपने घर में, ये कॉफ़ी बहुत अच्छी बनती है, मतलब पीने में मज़ा आता है। कुछ नहीं है करने को बनता, चलो घर में कॉफ़ी पी के ये भी एक काम निकल ही आता है, मतलब यानी कि एक काम हो जाता है कि चलो कॉफ़ी बना के पी लो। तो आजकल तो वैसे भी कुछ है ही नहीं करने को, घर में बैठना है, टीवी देखना है, खाना है, सोना है, और कुछ नहीं है मतलब करने को। तो मतलब एक छोटे छोटे काम है, आप अपने आप को देखिए, अपने ऊपर तवज्जा दीजिए और अपनी फैमिली के साथ अच्छे टाइम स्पेंड कीजिए। खुद के लिए बनाइए ये कॉफ़ी, फैमिली के लिए बनाइए। आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने कॉफ़ी इसको ज़्यादा थिक फॉर्म में नहीं किया था, क्योंकि मैं ये हॉट मिल्क में ले रही थी, मतलब यानी कि मैंने ये मिल्क गर्म कर कर लिया था सो ठंडा। गाइस, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने किस तरह से अपनी ग्रोसरी करी। मतलब मास्क पहन कर गए और ग्लव्स पहन कर गए, उस ग्लव्स के बाद भी हम लोग सैनिटाइज यूज कर रहे थे,
और मतलब जो वॉलमार्ट में गए आप लोगों ने देखा, एक्चुअली पंजाब में जो देसी ग्रोसरी स्टोर है वहां पर तो रश होता ही नहीं है, बहुत कम लोग जाते हैं, तो उधर तो लाइन का मतलब नहीं था। लेकिन जो वॉलमार्ट में गए थे जहाँ पर एक्चुअली हर चीज मिलती है, मतलब आप हर चीज आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं दिखा रही थी कि आपके पास ज्वेलरी भी होती है वहाँ पे, ग्लासेस भी होते हैं, वॉचेस भी होते हैं, मेकअप भी होता है, कपड़े भी होते हैं, घर बनाने का सामान भी होता है, सब कुछ होता है। तो इसीलिए वहाँ पर हमेशा ऑलवेज ऐसे ही रश रहता है। तो आपको जब हम वहाँ गए तो 6 फीट का मतलब था कि 6 फीट लंबी ही लाइन में थे हम लोग, और ये नहीं थे कि हम एक दूसरे के करीब करीब होकर जा रहे थे, और सब लोग कितनी दूर से लाइन लगाकर फिर हम लोग अंदर एंटर हुए थे। और मैं जैसे कि देखती हूँ कि हमारे अगर लोग इस चीज का नहीं टेक केयर कर रहे हैं कि लाइन में भी लग रहे हैं तो एक दूसरे को पुश करते जा रहे हैं, शोल्डर से शोल्डर टच हो रहे हैं, ये चीज अच्छी नहीं है। मतलब डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस, मतलब आप फिजिकल एक दूसरे को इतना सा भी टच नहीं करो, मतलब इतना सा भी। तो आप लोग इसके एहतियात कीजिए। होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, इंजॉय कर रहे हो आप मेरे साथ साथ सारा वेदर सब कुछ। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज कमेंट्स जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और थम्स अप भी दीजिएगा, थम्स अप देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। होपफुली इंशाल्लाह फिर मुलाकात करूंगी। अल्लाह हाफिज।